नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। बांगरमऊ जिला को घोषित करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने आज बांगरमऊ जिला घोषित करने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। वकीलों के अनुसार बांगरमऊ जिला बनने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। तहसील के रामपाल यादव, रमेश द्विवेदी, शादाब खान, राम भरोसे, योगेश लोधी, विनोद कुमार व श्रीकांत साहिब करीब डेढ़ दर्जन अधिवक्ताओं द्वारा एसएम उदित नारायण सेंगर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कानपुर, कन्नौज, हरदोई और उन्नाव जनपदों के मध्य स्थित बांगरमऊ प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर जिले के प्रथम सांसद और भारतीय संविधान प्रारूप समिति के सदस्य स्वर्गीय विश्वेश्वर दयालु त्रिपाठी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री स्वर्गीय जियाउर रहमान अंसारी की जन्म और कर्म स्थली भी है। बांगरमऊ के ग्रामीण क्षेत्र से जिला मुख्यालय उन्नाव की दूरी करीब 75 से 80 किलोमीटर तक है, जबकि यहाँ से हरदोई और कानपुर की दूरी 80 किलोमीटर से भी अधिक है। क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल के गरीब मजदूरों और किसानों को न्याय पाने के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर उन्नाव की भाग दौड़ करनी पड़ रही है। अधिवक्ताओं के अनुसार बांगरमऊ को जिला घोषित करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता फारूक अहमद द्वारा हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में दायर जनहित याचिका भी विचारधीन है। हाईकोर्ट द्वारा इसी परिपेक्ष्य में सर्वे भी कराया जा चुका है। तर्क दिया गया है कि जिला उन्नाव की तहसील सफीपुर और बांगरमऊ तथा जनपद कानपुर नगर की बिलहौट तहसीलें हरदोई जिले के संडीला और परगना मल्लावा को जोड़कर बांगरमऊ को जिला घोषित करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। वकीलों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह भी अवगत कराया है कि बांगरमऊ को जिला घोषित कर देने से तहसील क्षेत्र बांगरमऊ सहित अन्य जनपदों के शामिल की जाने वाली तहसीलों की गरीब जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में बांगरमऊ तहसील घोषित होने के बाद से ही बांगरमऊ को जिला घोषित करने की मांग चली आ रही है। रिपोर्टर जमीर खान। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।